सुल्तानपुर में मेरी लालच है, लालच की वजह से मांग रही हूँ। और क्या है लालच? लालच ये है कि अगर हमारे एनआरसी जीतेंगे तो मैं सारा पैसा उनसे लेकर के आप लोगों को दूंगी। प्रायोजक है सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुल्तानपुर में एमएलसी चुनाव का प्रचार दमखम से चल रहा है। सपा प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति की तरफ से सपाइयों की फौज एक एक वोट जोड़ने के लिए जूझ रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह के लिए भाजपाई कुनवा गोलबंद हो चुका है। भाजपा पार्टी के पदाधिकारी और जीते हुए चार विधायक भाजपा का एमएलसी बनाने के लिए जी जान लगा ही रहे थे कि बुधवार को भाजपा सांसद मेनका गांधी ने भी भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील खुले मंच से की। तीन दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र में आई मेनका गांधी ने दुबेपुर ब्लॉक में प्रधान बीडीसी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कभी जाति धर्म देखकर काम नहीं किए, इसलिए आप सभी भाजपा प्रत्याशी को वोट दीजिए ताकि उनके जीतने पर क्षेत्र का विकास और ज्यादा हो सके। दुबेपुर से चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे हिंदू में कोई जात का हो, मैं सबसे मांग रही हूँ अपना वोट। और क्यों मांग रही हूँ? सुल्तानपुर में मेरी लालच है, लालच की वजह से मांग रही हूँ। और क्या है लालच? लालच ये है कि अगर हमारे एनआरसी जीतेंगे तो मैं सारा पैसा उनसे लेकर के आप लोगों को दूंगी। और सौदा ये है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो लोग हैं, उनको कभी कुछ मिलता नहीं है। हम लोग कभी कभी नल बंद हो जाते हैं, तो कभी सोलर बंद हो जाता है, तो कभी कोई भी एक ऐसा निशान नहीं रहता है कि ये भी इन्होंने काम किया। मैं चाहती हूँ कि सबके लिए कुछ ना कुछ बने। सम्मेलन के बाद मेनका गांधी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले भाई बहन हर्षिता और हार्दिक साहू को सम्मानित किया। मेनका गांधी ने दोनों निशानेबाजों की हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया, साथ ही उन्हें जिले का नाम रोशन करने के लिए धन्यवाद भी किया। सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।